नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी गाइडर पर। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि हिमालय आयुष स्लिम कैप्सूल का सर रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों आज आप लोगों के कहने पे मैं लेके आया हूँ हिमालय आयुष स्लिम कैप्सूल का रिव्यू। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको इस कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए, इसका क्या डोज आपको लेना चाहिए कि ये आपके लिए यह सही रहे, साथ ही साथ ये कैप्सूल काम करती है या नहीं करती है ये भी मैं लास्ट में आपको अपना ओपिनियन बताऊँगा इस पर, और यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस रेट पे मिलती है, साथ में आपको इस पर कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी मैं चर्चा आपसे लास्ट में करूँगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो आपकी बॉडी पर कैसे काम करते हैं। हाँ दोस्तों, पहला इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हुआ है गार्सेनिया। तो गार्सेनिया बहुत सारे फैट लॉस सप्लीमेंट जितने आते हैं लगभग उसमें मिले होते हैं, कुछ सप्लीमेंट में गार्सेनिया नहीं होते, उसकी जगह कुछ और सब चीज़ें मिली होती हैं। तो दोस्तों गार्सेनिया इसमें मिला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है फैट लॉस के लिए। तो दोस्तों गार्सेनिया का मुख्य काम होता है कि यह हमारे फैट प्रोडक्शन को कम करता है, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर्ड होते हैं उनको भी यह रोकता है। दूसरा सप्लीमेंट इसमें हरण मिला हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हरण आंवला वगैरह, हरण का एक त्रिफला चूर्ण होता है जो कि हमारे पेटों को साफ़ करता है, हाथों को मजबूत करता है, तो उसी तरह इसमें हरण का केवल उपयोग किया गया है, तो जो कि हमारे आंतों की सफाइयों के लिए, छोटी आंत और बड़ी आंतों की सफाइयों के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके आपके पेट को पेट साफ होना चाहिए डेली, और आपको किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी इस टाइप का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी वेट लॉस की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और जल्दी आपका वेट लॉस होता नहीं है। तीसरी चीज़ इसमें मेथी मिलाई गई है। मेथी हमारे भूख को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जैसा कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं या फिर खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी हमें ओबेसिटी की दिक्कत होती है, यानी हमारा फैट बढ़ता जाता है, तो मेथी हमारे भूख को कंट्रोल करने में मदद कर। चौथा इसमें इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है जिसका नाम है निसार श्रृंगी। निसार श्रृंगी हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्ब होने को कम करता है, जिससे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम एब्जॉर्ब होता है, साथ ही साथ ये हमारे मीठे खाने को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा अक्सर मीठा खाने का मन करता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि मीठे से भी हमारा फैट काफ़ी ज़्यादा उसमें कैलोरी होती है और हमारा फैट गेन होता चला जाता है। मीठा खाने को ये क्यों कम करता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता होती है। ये जो चारों हर्ब मिलाए गए हैं ये हमारे इसमें एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। चौथा इसमें गुगलू मिलाया गया है जो कि पेड़ से प्राप्त होता है, ये भी एक हर्ब है और इसे पाउडर फॉर्म में इसे मिलाया गया है। ये हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स की सफाई करता है, साथ ही साथ इसके और भी कई सारे गुण होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिफायर को भी बढ़ाता है। तो ये थे इनके सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मार्केट में लगभग 225 रुपए इसका प्राइस है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट भी लगभग मिल जाता है मेडिकल स्टोर से। अगर आप लेते हैं जो 10% 15% का डिस्काउंट देते हैं तो वो कम से कम आपको हिमालय की कैप्सूल पे 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। दोस्तों ये कैप्सूल तो अपने में बहुत अच्छी बनाई गई है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए जो आप लोग बाद में कमेंट करते हो नीचे या फिर इसके अमेज़ॉन पर भी आप रिव्यू देखेंगे कि ये बिल्कुल काम नहीं करती है, काम नहीं कर रही है, काफ़ी सारे अभी नीचे कमेंट्स आएंगे जिसमें कि लोग कहेंगे कि यह काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों उसका कारण ये होता है कि अगर हम कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे डाइट को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप अपने डाइट को मेंटेन नहीं करते हैं और आप फैट लॉस सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अच्छे से अच्छा फैट लॉस सप्लीमेंट आपको पतला नहीं कर सकता है, आप कितने भी सप्लीमेंट ले सक के देख लीजिए। अगर आप इससे ही लेते हैं कायदे से तो लगभग आपको 1 से 1.5 महीने तक इसे लेना होगा, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। तो और इसे आप लॉन्ग टाइम तक भी ले सकते हैं, लगभग 6 मंथ से 1 ईयर तक आप ले सकते हैं, और साथ में आप एक अच्छी डाइट प्लान को लेकर चलिए, कुछ एक्सरसाइज करिए थोड़ा, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जल्द से जल्द 1.5-2 महीने या 3 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट आपको 1 से 2 दिन में रिजल्ट नहीं दे सकता, और कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट अगर आप अपने डाइट प्लान को, एक्सरसाइज को सही से नहीं रखते हैं तो आप
को पतला नहीं कर सकता। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप और किसी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं, आप किसी भी मेडिसिन या किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आप सभी को या तो वीडियो के माध्यम से या तो कमेंट में ही जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको इस हिमालय आयुर स्लिम के कैप्सूल के बारे में कोई भी चीज़ रह गई हो, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद इसे दोस्तों खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको दो कैप्सूल सुबह और दो कैप्सूल शाम को लेना है, ठीक है। और आपको खाना कम सोने से कम दो घंटे पहले खाना होगा, ठीक है। और अगर आप कुछ स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब ले रहे हैं तो आपको उसे कम करना चाहिए, और साथ ही साथ इसको साथ में चलाना चाहिए, और खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए और फलों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका वेट लॉस जल्द से जल्द हो सके और आप अपना मन चाहा बॉडी वेट घटा सकें और अपना मन चाहा फिगर पा सकें। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो, वीडियो मेरी पूरी देखा करिए, वीडियो में मैं लास्ट तक में सब कुछ आपको बताता हूँ, तो आप वीडियो मेरी पूरी देखा करिए। नहीं तो बाद में आप लोग पूछते हैं कि सर आपने डोज नहीं बताया कैसे लेना है, तो इसमें मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।